मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ईडन गार्डन्स में खेले गए आईपीएल 2019 के 47वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने आईपीएल 2019 की सबसे तेज 50 ठोक कर रिकॉर्ड बना दिया है। हार्दिक पांड्या ने केवल 17 गेंदों में 52 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस मामले में हार्दिक पांड्या ने दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत को पीछे छोड़ा है। ऋषभ पंत ने इसी सीजन में मात्र 18 गेंदों में मुंबई इंडियंस के खिलाफ अर्धशतक ठोका है, लेकिन हार्दिक पांड्या ने रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हार्दिक पांड्या ने कोलकाता के खिलाफ 17 गेंदों में 1 चौके और 7 छक्कों की मदद से 52 रन बनाए हैं। इस दौरान हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट 305.88 का रहा। इस दौरान पांड्या ने हर एक गेंदबाज के खिलाफ आक्रमण किया। वही आईपीएल के इतिहास की सबसे तेज 50 की बात करें तो ये रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम दर्ज है। केएल राहुल ने साल 2018 में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेलते हुए मात्र 14 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। केएल राहुल के बाद दूसरे नंबर पर यूसुफ पठान और सुनील नरेन का नाम आता है, जिन्होंने 15 गेंदों में 50 ठोकी है। आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के लिए सबसे तेज 50 मारने की बात करें तो इससे पहले 17 गेंदों में 50 ईशान किशन और किरण पोलार्ड भी ठोक चुके हैं। इधर खास बात ये है कि ईशान किशन ने इसी स्टेडियम यानी ईडन गार्डन्स में कोलकाता के खिलाफ अर्धशतक ठोका था। मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने 34 गेंदों में 91 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस दौरान हार्दिक पांड्या के बल्ले से 6 चौके और 9 छक्के निकले। इस मैच में पांड्या का स्ट्राइक रेट 267.65 का रहा। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।